दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक नेशनल लेवल के पहलवान को गिरफ्तार किया है। पकड़ में आए रेसलर का नाम नरेश सहरावत बताया जा रहा है। उसके खिलाफ रेप, हत्या, हत्या की कोशिश जैसे कई मामले दर्ज हैं। पुलिस को नरेश के 2019 के एक रेप, अपहरण और पॉक्सो एक्ट के मामले में तलाश थी। आरोपी नरेश कुख्यात गैंगस्टर नीतू तापोदिया का काफी करीबी भी था। नरेश ने राष्ट्रीय स्तर के कई चैंपियनशिप में भाग लिया। 2006 में ये ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार पहलवान के साथ दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में था। पुलिस के मुताबिक यह सुशील कुमार पहलवान के संपर्क में हमेशा से था। आरोपी नरेश अहलावत पिछले 3 सालों से दिल्ली पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो रहा था। दिल्ली पुलिस लगातार उसके तलाश में जुटी हुई थी। क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली कि नरेश सहरावत दिल्ली के नजफगढ़ एरिया में छिपा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने जब रेड मारी तो नरेश ने पुलिस टीम से बचने की पूरी कोशिश की और अपने कुश्ती के दाव पेचों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन पुलिस ने उसे आखिरकार दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक साल 2006 से पहले नरेश सहरावत एक राष्ट्रीय स्तर का रेसलर था, लेकिन 2006 में कत्ल की एक वारदात को अंजाम देने के बाद वो एक के बाद एक कई मामलों में शामिल रहा। इसी दौरान नरेश गैंगस्टर नीतू दाबोदिया के संपर्क में आ गया। नरेश ने साल 2019 में एक साथी के साथ मिलकर एक 16 साल की लड़की का पहले तो अपहरण किया। इस मामले में नरेश के खिलाफ अपहरण और रेप का मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस के मुताबिक नरेश के खिलाफ अलग अलग थानों में करीब 7 मामले दर्ज हैं।